गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। जब हम लोग कराटे की प्रैक्टिस करते हैं और फाइट की प्रैक्टिस करते हैं, तब उस टाइम पर हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि फाइट के दौरान कई बार हमारे हाथ या पैर में या फेस पे चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब हम लोग फाइट सीख रहे होते हैं तो जो अनाड़ी आदमी होते हैं, जो अनाड़ी लोग होते हैं, वो अनट्रेन कैसे भी किक या पंच कर सकते हैं। तो उस दौरान सेफ्टी पर्पस से आपको चोटों से बचाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स को प्रॉपर तरीके से वेयर करके पहनेंगे, फाइट की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चोट वगैरह बहुत कम लगेगी। 99% चांसेस होंगे कि आपको चोट नहीं लगेगी। राइट हस्बैंड, जब हम लोग फाइट की प्रैक्टिस करते हैं तो सारा ध्यान हमारा फाइट पर होता है। तो उस दौरान हम किक कैसे कर रहे हैं, पंच कैसे कर रहे हैं, ये सामने वाले को भी नहीं पता होता, और सामने वाला कैसा कर रहा है ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में होते हैं। और मार्शल आर्ट कराटे इसमें क्या है कि ये कॉन्टैक्ट गेम है। इसमें किक पंच ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत टच होता है। सेमी कॉन्टैक्ट है उसमें आराम से टच होता है, फुल कॉन्टैक्ट है उसमें पावर से टच होता है। बट अगर आप प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ और कोच के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कोच की गाइडलाइंस जो होती हैं, जो कोच आपको गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 0% इंजरी होती है, यानी कि इंजरी नहीं होती। सेफ्टी के साथ मार्शल आर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से मार्शल आर्ट या कराटे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और चैम्पियनशिप्स वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, तो फाइट आपको सीखना होता है, फाइट की प्रैक्टिस करनी होती है। और उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें हेड गार्ड चाहिए होता है, ताकि हमारे फेस पे, हेड पे कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे। दूसरा, हमें बॉडी प्रोटेक्टर चेस्ट गार्ड पहनना होता है, जो हमारे सामने चेस्ट को, हमारी पसलियों को और पेट को पूरा कवर करता है, जैसे पंच या किक वगैरह पड़ते हैं उससे कवर करता है, बचाता है। तीसरा, ग्लव्स फॉर्म के होते हैं, ये हमारे लिए भी सही है और हमारे ओपोनेंट के लिए भी सही होते हैं। जब हम ग्लव्स पहनते हैं फाइट करते हैं, पंच करते हैं, तो ब्लॉकिंग में भी इजी होता है, और जब हम पंच करते हैं सामने वाले को तो उसको भी चोट नहीं लगती है। और जो फुट गार्ड हम लोग पहनते हैं अपना, तो लेग्स में हम लोग सिन फुट गार्ड पहनते हैं, जिसे हम कई बार किक मारते हैं तो किक एल्बो पर लग जाती है या फिर सामने वालों को ज़्यादा लग जाती है। तो जब हम फॉर्म का पूरा प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का सिन फुट गार्ड पहन के फाइट की प्रैक्टिस करेंगे या फाइट करेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। और बाकी बॉयज़ के लिए एल गार्ड होता है, वो अंदर पहनना होता है। ये जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कराटे फाइट के दौरान पहने जाते हैं, और ये सभी के लिए होते हैं, चाहे कोई सब जूनियर कैटेगरी का है, चाहे कैडेट का है, जूनियर है या सीनियर है, सभी को पहनना कंपलसरी होता है। अब इसमें कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत लाइट और हल्की क्वालिटी के होते हैं, वो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए अपना। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्लव्स। तो ग्लव्स आप देख सकते हैं मेरे पास, यहाँ पे टू टाइप्स ग्लव्स हैं, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये ग्लव्स हैं, एंड ये देख सकते हैं ये भी ग्लव्स है। अब दोनों में कितना फर्क है आप खुद देख सकते हैं, थिकनेस है, क्वालिटी है, कंफर्ट है। आप कभी भी इक्विपमेंट्स खरीदें तो अपना नेशनल फेडरेशन ने जो अप्रूव किया हुआ है, नेशनल फेडरेशन ने, वो खरीदें और अच्छी क्वालिटी का खरीदें। अब जैसे कि इसमें थिकनेस देखो, ये अगर किसी को पंच करोगे तो चोट लगेगा, और क्वालिटी भी देख लीजिए। दूसरा, ये जो है ये अच्छी क्वालिटी का है पूरा, तो इसमें जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा, कोई प्लेयर प्रैक्टिस करेगा, तो चोट ना के बराबर लगेगी अपना। सेम ये ग्लव्स होता है, एक राइट होता है और एक ब्लू होता है। जब हम लोग राइट साइड से फाइट करते हैं, राइट कॉर्नर से, तो रेड किट पहनते हैं, रेड ग्लव्स, रेड फुट गार्ड, रेड बैट, तो उसको बोलते हैं अक्का। और जब हम लोग लेफ्ट साइड से लेफ्ट कॉर्नर में फाइट करते हैं तो हमको ब्लू पहनना होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं आओ। चैंपियनशिप्स में जब अनाउंसमेंट होता है, आपका नाम अनाउंस होगा, आप कौन सी टीम से, डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से हो, वो अनाउंस होता है, और फिर अक्का या आओ। अक्का मतलब रेड, आओ मतलब ब्लू। एंड ये सिन फुट गार्ड है जो आपके पैर को प्रोटेक्ट करता है, ये लेग को पूरा प्रोटेक्ट करेगा आपको,
और ये हेड गार्ड है जिसको सर पे पहनते हैं, तो ये इतना फॉर्म में इतना अच्छी क्वालिटी का बना होता है कि कोई किक वगैरह पड़ती है तो 99% चांसेस कम होते हैं चोट लगने के। और ये होता है बॉडी प्रोटेक्ट आपका चेस्ट गार्ड, इसको बिल्कुल शील्ड की तरह सामने पहन लेते हैं, तो इससे केक पंच जो भी कुछ लगता है उसको सेफ्टी के लिए होता है। तो ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर आप कराटे करते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये पर्सनल आपका होना चाहिए, क्योंकि समटाइम चैंपियनशिप्स में क्या होता है, हम अदर टीम का आपस में शेयर कर लेते हैं या मांग के पहन लेते हैं, तो एक दो बार तो चल जाता है। बट समटाइम क्या होता है, आपका कोई फ्रेंड है, आप सोच रहे हो कि उसका किट यूज़ करना है मेरे को, और उसकी फाइट भी उसी टाइम पर आ रही है, आपकी भी उसी टाइम पर आ रही है, तब आप कैसे होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। और बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो पर्सनल होने चाहिए, जैसे कराटे की कराटे यूनिफॉर्म आपकी पर्सनल होती है, आप ही की होती है, आप पहन के प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से अगर आप कराटे करते हैं तो कराटे इक्विपमेंट्स भी आपके पर्सनल होने चाहिए खुद के, और इसको पहन के आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट होगी, आदत होगी किट पहन के फाइट करने की। अगर आप बिना किट के फाइट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फिर हैबिट नहीं होगी फाइट करने की, आप चैंपियनशिप्स या टूर्नामेंट्स में जाएंगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, यानी जो किक्स आप स्पीड से चला पा रहे थे एकेडमी पर वो आप किट पहन के नहीं चला पाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कराटे की प्रैक्टिस करें तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स जरूर यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी की करें, वो आपके कोच आपको गाइड कर देंगे या आपकी जो फेडरेशन है जो उन्होंने अप्रूव किया होगा अच्छी क्वालिटी का वो ही परचेज करें, क्योंकि आगे भी वही अलाउ होता है, लोकल या फिर चीप क्वालिटी का अगर आप खरीदोगे तो वो पैसे भी बर्बाद जाएंगे और वो आगे फिर अलाउ भी नहीं करते नेशनल फेडरेशन वाले, या आगे आप जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन में खेलने के लिए जाते हैं तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके बाय बाय। एक चार नहीं चार सात चार छः चार दो